पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, 400 ml दूध है वो हम डालेंगे कढ़ाई में। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 4 tablespoons शुगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। Let's be honest for a second. You'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel. अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, 4 tablespoons मिल्क पाउडर है। इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, इसे 7-8 मिनट तक चलाते रहेंगे तो देखिए दूध 400 ml से घटकर 200 ml हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होता है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध चिपके ना कढ़ाई में। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे 1 घंटे के लिए। देखिए दूध ठंडा हो चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए अब हम मिक्सिंग जार में ये 1 बाउल मैंगो पीसेस डालेंगे और ये जो मिल्क ठंडा करने रखा था वो ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। देखिए एकदम स्मूथ प्यूरी बन चुकी है, अब हम इसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे और उसमें 3 glass पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। देखिए पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम साबुदाना ऐड करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक, इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए साबुदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल के इसे वॉश करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। हमने 1 tablespoon सब्जा लिया है, उसमें 1/2 cup पानी डालेंगे और इसे सोक करने रखेंगे। इसका 5 मिनट में कलर चेंज हो जाएगा। देखिए सब्जा कितना फूक गया है, सब पानी सोक लिया है सब्जा ने। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम एक बाउल रखेंगे, इसमें मैंगो मिक्सचर पोर करेंगे, इसमें साबुदाना ऐड करेंगे, सब्जा ऐड करेंगे, 1 tablespoon बादाम ऐड करेंगे, 1 tablespoon पिस्ता ऐड करेंगे, 1 tablespoon काजू ऐड करेंगे, 1 bowl मैंगो पीसेस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। हम काजू बादाम पिस्ता और मैंगो पीसेस से गार्निश करेंगे। Just do.